स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को शिखर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं में व्यापक रूप से विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धीरा में वार्षिक उत्सव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धीरा में पेयजल के सुधार के लिए 3 लाख लीटर की क्षमता का ओवरहेड टैंक निर्मित किया जाएगा। प्रोर से धीरा में पुरानी पेयजल पाइपलाइन बदलने के लिए 70 लाख रुपए और सीएससी धीरा के भवन के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने विद्यालय में विज्ञान भवन और विद्यालय के पुराने भवन की सीलिंग, बिजली इत्यादि के कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पद यहाँ पर पोस्टें हैं, चाहे वो लेक्चरर्स हैं, चाहे वो टीजीटीज होंगे, उसमें 2 खाली हैं, 36 भरी हुई है। मैं ये भी देख रहा था, मैंने प्रधानाचार्य जी से पूछा कि बच्चे कितने हैं। इन्होंने कहा 308। मैं ये इसलिए पूछता हूं कि भविष्य के लिए ये चुनौती है, भवन भी बन जाएंगे, संस्थान भी खुल जाएंगे, परीक्षा भवन भी बन करके तैयार हो जाएंगे, पर उन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और उसके लिए हम प्रतिष्ठा के रूप में, जिस शिक्षा के मंदिर में हम पुजारी बन करके बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर चुनौती स्वीकार करते हुए ये आज से ही प्रण लें कि जब अगले वर्ष हम यहां पर आएंगे, चाहे वो साइंस फैकल्टी की बात हो, चाहे वो आर्ट्स की बात हो, चाहे कॉमर्स की बात हो, वहां पर बच्चों की रजिस्ट्रेशन में वृद्धि होनी चाहिए। यही मेरा आज का संदेश है, और कोई संदेश नहीं। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।